जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। कल एक सीओ साहब से मेरी बात हुई जो कि एक रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा जवानों को नंगा करके पनिशमेंट दी ओपन ग्राउंड में, जिसमें पानी भर दिया इस सर्दी में और जवानों को नंगा करके उसमें पनिशमेंट दिए हैं। वहाँ से फैमिलियाँ भी गुजर रही हैं, सिविलियन भी गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा है। एसएम रेजिमेंट का वहाँ खड़ा है, बाकी जेसीओ खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, लेकिन किसी ने सीओ को नहीं रोका। रिटायर अफसर। अच्छा, बताइए। तो सर, आपकी एक जवान ने एक वो भेजा था कि भाई आपने, किसने भेजा था? आपके एक जवान ने भेजा था कि हमारे सीओ साहब ने रेजिमेंट के सभी हवलदार तक को अंडरवियर में पनिशमेंट दिया, सबको नंगा उतार के। अच्छा, किसने भेजा आपको ये? आप ही के एक जवान ने भेज रखा है। नाम बताइए जरा। नहीं, नाम बता दूंगा, मतलब ये सही है क्या बात? नहीं, रेजिमेंट के चीजों में इंटरफेयर करने का या कुछ भी आप रेजिमेंट में हो रहा है उसमें आपका क्या उसमें से है? नंबर आपको किसने दिया? अब नंबर तो आपके जवान ने दिया, मैं तो बता ही रहा हूँ ना। उस जवान ने मेरे को बताया कि छुट्टी के लिए भी बोलते हो कि तुम्हारा हक नहीं है। हमें तो आज तक ऐसे कोई सीओ साहब मिले नहीं जो जवान को ये बोले कि छुट्टी तुम्हारा हक नहीं है। मैंने कभी और... नहीं कहा कि छुट्टी तुम्हारा हक नहीं है। अगर आपने लीव रूल्स पढ़े और अगर आप, ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, ये लगभग 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है। आगे आपको और भी इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी मेरे तक कैसे पहुंची, इस रेजिमेंट के मैंने एसएम साहब से भी बात की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं और आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक आपके यूनिट के बंदे ने बताया कि सर कुछ दिन पहले आपके सीओ साहब ने बंदों को पनिशमेंट दी तो होलदार तक को अंडरवियर में रख के, मतलब नंगा करके सबको पनिशमेंट दी है। नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। को मतलब अंडरवियर में रख कर मतलब उनको सजा देना, ये तो गलत है ना? नहीं, अभी अभी देखो सर, दारू पी के वो कर रहा है, उसको समझा के एक बार देखा गया, दो बार देखा गया, वो लड़के ने ये अगर किसी को ब्रीफ किया गया और बंदूक वगैरह कटाया गया तो ये तो ट्रेनिंग का ही हिस्सा है ना, बंदूक वगैरह। गाड़ी के अगर इससे पूछा जाए तो कुछ और ही थी। नहीं, नहीं। लड़का, यहाँ आपने सीओ और एसएम की रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। अभी 5 मिनट की आगे सीओ की रिकॉर्डिंग और है, जिसमें सीओ ये भी बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं करवा सकते। एसएम तो धीरे, आपने देखा है रिकॉर्डिंग में, मुकुर भी रहा है और कह रहा है ट्रेनिंग का हिस्सा है, मतलब जवानों की वर्दी उतरा दी गई, पेंशन जाने वाले हौलदार तक उसमें शामिल थे, 45 साल की एज, 22 साल 24 साल जिनकी सर्विस, इतनी सीओ की सर्विस नहीं होगी, जिससे ज्यादा सर्विस उन जवानों की थी और उनकी आप वर्दी उतरा रहे हो, उनको नंगा करके घुमा रहे हो, फैमिलियां वहां से निकल रही हैं। खैर, एसएम को तो ऑनरी चाहिए। आप चाहते हो कि सीओ को भी नंगा किया जाए, वो ताकत रविंद्र फौजी रखता है। पहले भी ऐसे बहुत से सीओ को बंबू चढ़ा चुका है रविंद्र फौजी। रविंद्र फौजी ने जब 2017 और 19 में धरना भी दिया था ये सहायक प्रथा के खिलाफ, इन्हीं अफसरों की तानाशाही के खिलाफ, ये जो इनके अंग्रेजों के काले काल उनके खिताब, जो ये 10 नंबर फार्म भरते हैं, इस तरह टॉर्चर करते हैं, इस सिलसिले में मैंने धरने दिए। जब विपिन रावत जी चीफ ऑफ स्टाफ थे, फिर उसके बाद CDS बने, उनसे मिले भी, उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तब से मेरे पास उनका और उनके PA का नंबर, नरोने साहब तक भी मेरे पास इनके PA का नंबर तक रहा था। कोई भी समस्या आती थी तो वहां से कहते थे कि भाई वीडियो नहीं बनाकर आप हमें बताया करो, और हम वहां बताते थे। और जो ऐसे तानाशाही करते थे ना, जब बम्बू आता था तो ये लोग जब रेजिमेंट का बाप बनते हैं ना, फिर हमें बाप बोल के बोलते थे कि रविंदर जी वीडियो हटा दो, गलती होगी। लेकिन वो ताकत थी, जब आप लोग भी वीडियो को वायरल करते थे, वीडियो जाते थे 20 लाख 30 लाख 40 लाख, एक ही दिन में लाखों क्रॉस करता था। लेकिन अब तुम्हें सिर्फ ORP बल्ले बल्ले ये मिल रहे हैं, उसके वीडियो पसंद है, वही देखते हो। हमारा धीरे धीरे वीडियो देखना बंद कर दिया। दूसरी, इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों के लड़ने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो मैं आज फिर कह देता हूँ कि धन के बिना, बोले ना, वीडियो धन से भी
जब कुछ बजट हो ना तो इसके बहुत तरीके हैं इनको वायरल करने के लिए। तो एक बार तो आज मैं फिर मेरा नंबर दे रहा हूँ, आधे से लोग तो पहली बात तो यहाँ नंबर देखते ही कमेंट्स करते हैं रविंद्र फौजी हर वीडियो में पैसे मांगता है, रविंद्र फौजी कुछ करता नहीं। अरे जो मैंने किया ये 7 लाख लोगों को जोड़ा है, अगर इसमें से 1% भी मदद कर देना तो अब तक ये सहायक प्रथा और ये इनकी जो दादागिरी है ना, ये इनके पिछवाड़े में घुसेड़ देते। लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा है तो तुम बताना तुमने क्या किया, सिर्फ जय हिंद लिखने, हम तुम्हारे साथ लिखने के अलावा कितने लोग मदद करते हैं। वो जो बूट पुलिस वाले कुत्ते हैं ना, जिनको अपने बच्चे नहीं खिलाए जाते, जो अफसर की पिछवाड़ा तक धोने के लिए बच्चों को पिछवाड़ा धोते हैं ना, वो तो कमेंट्स करेंगे करेंगे कि यार वीडियो में भाई क्यों रविंद्र भोजी टाटा बिरला आ गया। ये जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, पहले भी आपने देखा था बहुत से नोटों के इनके, जब फिर लिंक मारते हैं हमारे SP को फोन, थानेदार को फोन, वो केसों को रविंद्र फौजी भुगते हैं। और भाई जो थाने में जाके वहां मिलकर कोई वकील खड़ा करना, क्या क्या करना, मतलब वो अकेला रविंद्र फौजी टाटा बिरला है क्या? तुम्हें कहते हैं कि भाई महीने में 100, 500, 1000 जो भी है, आप अपनी इतने लोग जुड़े हैं अगर सर्कुलेट के हिसाब से भेजे ना, और इतनी हमारे पास हो तो आज भी इनके औकात नहीं है कर दें। लेकिन बीच में मैं इस लड़ाई के साथ साथ अग्निपथ में चला गया, अग्निपथ की लड़ाई लड़ी है, वो मेरे लिए लड़ी क्या मैंने? वो योजना भी तुम्हें गुलाम बनाने के लिए आई है। अब 4 साल में ही सिर्फ वो चमचे ही छटेंगे, जो थूक पुलिस करेंगे, इनके कुत्ते घुमाएंगे, कच्चे धोएंगे वही, क्यों ग्राउंड वाले तो निकल जाएंगे या फिर जो पैसा देगा वो जाएगा। लेकिन उस लड़ाई में भी हमारा, मैं फिर कह रहा हूं कि 1% लोग भी साथ दिए होते तो ये दिशा और दशा कुछ अलग होती। अब वो चीजें तो जाहिर ही हैं, लेकिन हम लड़ते हैं तो ये बातें बोलते हैं। तो जो बोल रहा है बोलने दो भैया, नंबर है 8290-35-45-13, फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, गूगल पे मेरा बंद है। अगर फिर भी गूगल पे का तो ये मेरा बारकोड है, आप इसमें गूगल पे या किसी भी स्क्रीन से बारकोड करोगे तो इससे मेरे पास बजट आ जाएगा। बजट आएगा तो लड़ाई दुगनी गति से लड़ सकते हैं, और ऐसे जो आरामखोर है ना उनको फिर कह रहा हूँ कि बम्बू चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा भी ये मेरा नंबर है 612-642-33-600, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है SBI का रविंदर सिंह के नाम से। मैं फिर कहता हूं कि जो मदद नहीं कर सकते, वैसे तो तुम्हें कोई बोल देगा ना भाई फौजी एक बोतल खोल ले पार्टी कर ले, वहां भाई जो चोरी छाती करके 2 मिनट में 1000 रुपए लुटा देते हो। लेकिन यहां सर हम आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत दिन बाद जब खुद की दिक्कत आएगी ना, कहीं पुलिस में फंस गए, छुट्टी नहीं मिल रही, घर का झगड़ा है, वाइफ का झगड़ा है, तब मेरे पास कॉल करते सर मैं जुड़ा हूं लेकिन आपका नंबर मिस हो गया था। अरे भैया वो घर के झगड़े की बजाय अगर ये सही चीज खत्म हो जाएगी ना, जो आप मांग रहे हो ना कि हमें ORP दे दो, MSP बराबर दो, हमें सारी चीजें बढ़िया मिलनी चाहिए, जब रिस्पेक्ट होगी ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिस्पेक्ट खत्म हो रही है ना हमारी वहां अंदर, हम ठीक है मुझे पता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं, वहां दबे हुए हैं, बेल्ट से बंधे हुए हैं, लेकिन रिटायर्ड आके भी वहां से जब अंदर रहते हैं तो मेरे को बोलेंगे सर हम आपसे जुड़ेंगे, बस पेंशन आते हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आके दूसरी नौकरी या फिर जो और धंधे और जो धरने चल रहे हैं, सर अब तो हम यहाँ आ गए, हम तो पेंशन बढ़ाने यहाँ पर, देखो पेंशन बढ़ रही है, ये पेंशन या कुछ भी आप कोई भी धरने किसी प्रकार भी देते रहो, जब तक रिस्पेक्ट नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। वो 3-4 साल पहले जनरल सतवीर साहब और टीम बैठी, तब 4 साल बाद जब भी मिला, जब वो रेवाड़ी की रैली हुई और तुमने वोट के लिए कहा तो मिला, नहीं तो तब भी नहीं मिलता। फिर कह रहा हूं कि अभी भी चमचागिरी छोड़ गया तो वोट की चोट करो, लड़ाई को मजबूत करो और अंदर की रिस्पेक्ट के लिए लड़ो। ये नहीं कि अब तो हम आ गए सर मेरे को क्या लेना है, मैंने तो जेल लिया, वहां तुम जेल का आ गए तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां झेलेंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि वहां रिस्पेक्ट मिलेगा तो बाहर ऑटोमेटिक फिर मिलेगा। आपको लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारा साथ दो। CEO साहब की जो रिकॉर्डिंग है, SM की रिकॉर्डिंग है, आज मैं इनको चाहता हूं कि इस, मैं खुद ही भेज दूंगा, मेरे पास नंबर है दोनों के, और इस वीडियो के जरिए उनको कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम पब्लिश ना हो, आपकी ये बची हुई रिकॉर्डिंग और आपके यूनिट का नाम पब्लिश ना हो, तो रेजिमेंट को फॉलन करके और उससे गिल्टी फील करके माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ आपने गलती की है, और रेजिमेंट में दोबारा ऐसी नहीं होगी। तो रविंद्र फौजी आपका नाम और रेजिमेंट का नाम पब्लिश नहीं करेगा, मेरे भी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए जवान जैसे अफसर सब एक समान है। मैंने इस रिकॉर्डिंग में भी उनसे रिस्पेक्ट से बात की है,
लेकिन जो रिस्पेक्ट के लायक ना हो और इस कहने के बाद में नहीं मानेगा, तो अगले वीडियो में फिर मेरी जो बोलचाल भाषा वो भी बदल जाएगी, और फिर जो लठ ऊपर से दिलाना होगा ना वो भी मैं दिला दूंगा। ये मत सोचना कि रविंद्र फौजी के वीडियो वायरल नहीं हो रहे या लोग जुड़ नहीं रहे, अकेले की भी आज वो पावर है कि तुम्हें तो मैं मिनटों में यूं उस सबूत के साथ एक ही मिनट में लठ दिला दूंगा। इसलिए अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग लेना। एसएम को भी कहना चाहता हूँ, बाकी जेशों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ताकत दिखाते ना तो उसकी औकात नहीं थी कि ये आपको इस तरह पनिशमेंट दे दें। वो तो भला है कि एक जवान ने मेरे को बता दिया। बाकी जवानों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई जब कोई चीज़ होती है तो कम से कम घुट रखे हो, मेरे तक भेज तो दो, किसी का नाम नहीं आएगा। ये मैंने वादा किया पहले भी, आज भी कर रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन हमारे तो साथ वाला आदमी दो दो तीन तीन फोन है, सपोर्ट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, तरीके बहुत हैं। और झूठी थूक बोले सर, झूठी वो करनी है चमचागिरी, तो फिर इन अफसरों की करो, मेरी करने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं चमचागिरी वालों से वैसे भी खुश नहीं होता। आज जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनको मैं, मेरे पास लिस्ट भी है उनका, जब भी कोई काम कर लिए दिन रात क्या रविंद्र फौजी बोलेगा उनके लिए, अगर सूली चढ़ना है तो वहां भी खड़ा मिलेगा। तो वीडियो वहां तक पहुंचा दो। फिर कह रहा हूं कि आपने अगर हमारी धीरे धीरे ताकत घटाई है तो दोबारा गुलामी जो हमने इस स्तर पर पहुंचा है ना आपका सम्मान, फिर गुलामी की तरफ जाओगे तो फिर भाई आप लोगों की मर्जी है। और जवान की जो रिकॉर्डिंग है वो सबूत के साथ अगले वीडियो में और इनकी सारी चीजें डाल दूंगा। या मैं फिर कह रहा हूं कि आज वो सुधर जाए, जो गलत किया उसकी माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।